जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भक्तमाल से भगवान नाम की महिमा। समस्त श्रृंगार प्रसाधनों में जैसे आभूषण विशेष शोभा वर्धक होते हैं, वैसे ही भक्ति समस्त साधन श्रृंगारों में भगवान नाम निष्ठा से भक्ति की विशेष शोभा होती है। जैसे आभूषण अंग प्रत्यंग में धारण किए जाते हैं, वैसे ही नाम निष्ठ के रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होने लगती है। नाम रोम रोम में प्रतिष्ठित हो जाता है, अंग अंग की बात तो क्या है। श्री हनुमान जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। श्री राम के नाम का प्रभाव वानर राज श्री हनुमान जी अच्छी प्रकार से जानते हैं, अतः रूप रागियों में प्रधान श्री वायुपुत्र के रोम रोम से राम नाम की ध्वनि होती रहती है। श्री अर्जुन जी के भी रोम रोम से श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण 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 की ध्वनि निकलती है। देखिए, चोखा मेला चमार की निर्जीव हड्डियों से भगवान नाम की ध्वनि निकल रही थी। नाम निष्ठा की इस चरम दशा को प्राप्त करना ही भक्ति महारानी को नाम रूपी आभूषण धारण कराना है। जैसे समस्त श्रृंगार करने पर भी बिना आभूषण धारण किए वह अपूर्ण ही है, वैसे ही भक्ति के समस्त साधनों का यथाविधि अनुष्ठान करने पर भी बिना भगवान नाम आराधन के वह अपूर्ण है, अधूरा है। नाम राम को अंक है, सब साधन हैं सून। अंक गए कछुहात नहीं, अंक रहे दस गुण। जैसे स्त्रियों को आभूषण बहुत प्रिय होता है, वैसे ही भक्ति महारानी को नाम आभरण बहुत प्रिय है। अतः नाम आभरण नाम कहा है। भक्तमाल में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, तान तरंग वैश्या का। तान तरंग नाम की एक वैश्या थी। इसकी भाव प्रदर्शन कला की बड़ी प्रसिद्धि थी। कला प्रदर्शन के लिए राज दरबार में बुलाई गई। बादशाह ने श्री कृष्ण की बाल लीला का भाव दिखाने की आज्ञा दी। उसने मैयारी में चंद खिलौना ले हूँ का भाव दिखाया और तदाकार हो गई, मचल गई, मानो साक्षात बाल कृष्ण मैया से मचले हों। बादशाह प्रसन्न होकर बहुत बहुत पुरस्कार देते, परंतु वह कुछ भी नहीं लेती, फेंक देती। बस एक ही रट लगा रखी थी, मैया री मैं चंद खिलौना ले हूँ। बादशाह झुंझला गया। एक अनुभवी सज्जन ने भाव को पहचाना और सुझाव दिया कि जैसे रोहिणी माता ने युक्तिपूर्वक थाल में जल रखकर चंद्र प्रतिबिंब दिखाकर बालकृष्ण को मनाया था, वही किया जाए। ऐसा ही किया गया, वह प्रसन्न हो गई। बादशाह ने उलाहना दिया, तुम बड़े से बड़े पुरस्कार पर नहीं रीझी और झूठ मूठ के चंद्र प्रतिबिंब पर रीझ गई, ऐसा क्यों? उसने उत्तर दिया कि यदि मैं पुरस्कारों का लोभ करती तो भाव प्रदर्शन में त्रुटि रह जाती। बालकृष्ण तो चंद्र प्रतिबिंब पर ही रीझे थे, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। भाव जो सर्वथा वज्र हृदय है, कितना हूँ कैसे भी करुण प्रसंग क्यों न सामने आए, जो किंचित मात्र भी पसीजने वाले नहीं हैं, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघलता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। ऐसे कठोर हृदय को तो फट जाना चाहिए, नेत्र फूट जाने चाहिए, शरीर जल जाना चाहिए, जो भगवान का स्मरण करके भी द्रवित और पुलकायमान नहीं होते। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, हिये फाटहु फूटहु नयन, जरउ सुतन के ही काम, द्रवहीं स्त्रवहीं पुलकहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान का चरित्र कहने सुनने में जिनको हर्ष रोमांच आदि होता है,
वे निश्चय ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में।